बैक टू माय ट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कोई हॉली शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आज एक चैलेंजिंग वीडियो होने वाली है। चैलेंजिंग भी नहीं बोल सकते हैं, आज हम करने वाले हैं व्हाट इन माय बैग। ऐसे वीडियोस हमने इंटरनेट पे बहुत सारे देखे हैं और हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है किसके बैग में क्या है। सो जब हम औरों की वीडियो देखते हैं और हमें इतना ज्यादा मजा आता है, सो आई थॉट हम भी अपना बैग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम अपने बैग में क्या रखते हैं। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज सीमा, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। सो चलो जी, आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। सो दिस बैग फ्रॉम ज़ोक, ज़ोक इज द इंडियन ब्रांड। आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ोक का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और सो वहां पे आपको बहुत सारी कैटेगरी के, बहुत सारी वैरायटी में काफी यूनिक अलग अलग तरीके के बैग्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको वहां पे क्लच बैग, टूट बैग, स्लिंग बैग, राउंड स्लिंग बैग। मैंने इनकी वेबसाइट चेक किया ना, मुझे इनकी वेबसाइट पे इतने सुंदर सुंदर बैग के कलेक्शन देखने को मिले। ऑल्सो मैं बहुत टाइम से ज़ोक से परचेज करती रहती हूँ। आप लोगों ने मेरे शायद वीडियो देखे भी होंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला था व्हाट्स इन माय बैग, जो कि वो स्लिंग बैग था। और ये बैग मुझे देखते ही पसंद आ गया था, बिकॉज इसका प्रिंट बहुत ज्यादा सोबर है। ऑफिस पर्पज से ये परफेक्ट है, अगर आप ट्रेवलिंग वगैरह करते हो ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड ये बैग भी बहुत सुंदर है। ऑल्सो आप इसको इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर हर तरीके से यूज भी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा लाइक स्पेस भी देखने को मिलने वाला है। मुझे पर्सनली ज़ोक के बैग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये 100% वीगन होते हैं। मैंने टेबल पे बैग को रख दिया है, थोड़ा सा मैसी लग रहा है, बट यू नो इससे ये होगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट निकालूंगी वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी चीजें निकालने वाली हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट डायरी, जो कि इसको मैं अपना लाइक बहुत ज्यादा यूज आता है। जब भी मुझे कोई भी चीजें करनी होती है तो मैं इसमें मेंशन करती हूँ, तो ये हमेशा मेरे बैग में लाइक ऑफिस बैग में तो हमेशा होती ही होती है। सेकंड, हमेशा मैं अपना ये टॉवल कैरी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेवलिंग के टाइम पे। हमेशा मैं अपनी एक सेपरेट टॉवल लेकर के चलती हूँ, तो ये इसका साइज इतना सा है, तो ये बहुत सही रहता है लाइक फेस वॉश वगैरह स्किन केयर करने के बाद पोछने उछने के लिए। नेक्स्ट, ये आजकल मुझे बहुत ज्यादा नीड पड़ रही है, ये मेरी दवा चल रही है, तो इस बॉटल को भी मैंने कैरी कर रखा है। वाटर बॉटल नहीं मिलने वाली, बट ये वाली बॉटल मेरे पास अभी मिलने वाली। और नेक्स्ट मैंने क्लिप रख रखी है, क्योंकि ये बहुत सारी क्लिप मैं रखती रहती हूँ, बहुत बार मेरे को जरूरत पड़ती है, मेरा मन करता है मैं इसको लगा लेती हूँ निकाल के। तो ये भी मैं, इसके लेंथ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बड़ी है, और इसको आप इजिली इस बैग में कैरी कर सकते हो। देख सकते हो इतने आराम से ये बैठ जाती है, तो मतलब आप सोच सकते हो इस बैग में कितना ज्यादा अच्छा खासा स्पेस आपको देखा। बाद में मैं हमेशा कॉम रखती हूँ, जो कि जरूरत पड़ती है कॉम करने के लिए। फोन, ऑब्वियसली हम फोन भी हमेशा कैरी करते हैं, सो ये मेरा फोन रहा। ओके, सो ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि ऑब्वियसली फाउंडेशन को ब्लेंड कर बैग में रखती हूँ। चार्जर, जो कि इसकी भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज फोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम चलाएंगे कैसे। आजकल तो सबकी हैबिट पड़ गई है फोन चलाने की। सो नेक्स्ट मैं कैरी करती हूँ हमेशा स्क्रंचीज। यस, हेयर स्क्रंचीज मेरे बैग में आपको हमेशा मिलने वाली है, चाहे वो स्लिंग बैग हो, छोटा बैग हो, बड़ा बैग हो, कोई सा भी बैग हो, हेयर स्क्रंचीज की मुझे आदत हो गई है। बिकॉज क्या बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऐसी स्क्रंचीज ट्राई करने से ना, हेयर फॉल भी नहीं होता है, तो ये मेरे हमेशा रहेगी, मेरे बालों में या मेरे हाथों में कहीं पे भी मिल जाएगी। गॉगल्स, ऑब्वियसली इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है धूप में। ओके, सो नेक्स्ट मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपना माइक। अगर मेरे को 2-3 दिन के लिए ट्रेवल करना होता है तो ऑब्वियसली मैं इसको चार्ज करके रख लेती हूँ अपने बैग में, और जब भी वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ ना, तो फिर शूट के टाइम पे काम आता है। बट अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा, बिकॉज इसी बैग में ही पड़ा रह गया था। परफ्यूम भी हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ, चाहे वो छोटा वाला हो या फिर बड़ा वाला हो। अभी मेरे बैग में ये इसमें पड़ा हुआ था, ज़ोडियो का ये परफ्यूम, एंड ज़ोडियो का एक और परफ्यूम मैंने लिया था, अच्छा है बट उतना स्टे नहीं करता है। तो हमेशा सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये सनस्क्रीन ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज सन टैन से बचाना है तो सनस्क्रीन रखना है। नेक्स्ट मैंने ये वाला भी चश्मा रख लिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो ये वाला चश्मा भी मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे को शौक होता है कभी कभी, तो मैं लगा लेती हूँ, अभी टेस्टेड नहीं है। ओके, सो हमेशा मैं अपने बैग में थोड़ा सा ये डिफरेंट चीज है, झंडू बाम, इसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ, बिकॉज यार मुझे सर दर्द बहुत होता है, तो मैं हमेशा इसको लगा लेती हूँ तो सर दर्द चला जाता है। नेल पेंट, जो कि मेरे नेल्स नहीं है बट फिर भी रख लेती हूँ। मस्कारा, जो कि बहुत अच्छे से कर्ल कर देता है, ब्रांड फ्रॉम मैबलिन, तो ये इसको मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ, चाहे वो मैं 1 दिन के लिए जाऊँ, 2 दिन के लिए जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ,
एंड ऑल्सो अभी भी हमेशा मैं अपने साथ एक क्लेचर भी कैरी करके रखती हूँ क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा नीड होती है कभी भी बालों को ट्राई करना होता है तो। ओके फाउंडेशन भी मैं अपने साथ ही रखती हूँ क्योंकि कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है कुछ भी अच्छा करने के लिए वीडियो शूट करने के लिए तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ। बीबी क्रीम मैं नहीं लगाती हूँ मुझे पसंद नहीं है बीबी क्रीम तो फाउंडेशन हमेशा रखती हूँ। रखी है यहाँ पे फोर लिपस्टिक्स जो कि बहुत ज्यादा काम आती है हर कलर की है तो डिपेंड करता है कि कब क्या लगाना है तो ये फोर लिपस्टिक मेरे बैग में हमेशा पड़ी रहती है अगर मैं बड़ा बैग कैरी करती हूँ तो। अगर मैं लाइक स्लिंग बैग कैरी करती हूँ ना तो छोटे छोटे मैं लिपस्टिक ट्राई करती हूँ कि उसमें रखूँ ताकि उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता है। बट इस बैग में तो आप बहुत लक्ष्य इस बैग में आपका इजिली आ जाएगा साथ ही साथ आपकी वाटर बॉटल भी आ जाएगी इसके साथ डायरी वगैरह एंड बहुत सारी चीजें लाइक बहुत सारी चीजें आप इस बैग में कैरी कर सकते हो। तो मैं काजल भी कैरी करती हूँ बट लगाती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी मन हो जाता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ तो इसको भी मैं रखती हूँ अपने साथ हमेशा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज चुकी है ये पेन तो इसको भी मैं अपने साथ ही रखती हूँ। सो अभी के लिए तो मेरे बैग में बस इतना अंदर की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइक इस वाले कंपार्टमेंट को छोड़ करके ना साइड में भी आपको एक पॉकेट मिलती है सो दैट इसमें आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा तो कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो लाइक कैश वगैरह है एंड कार्ड वगैरह है कुछ भी है फोन वगैरह भी आप सेपरेटली यहाँ पे रखते हो ना तो चीजें मैसी हो जाती है लेकिन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक वॉलेट रख रखा है जिसमें मेरी आईडी प्रूफ वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब चीजें मैंने इसमें डाल रखी हुई। ऑफकोर्स मिरर क्योंकि मैं कुछ भी भूल सकती हूँ बट मिरर नहीं भूल सकती क्योंकि मिरर बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे लिए नहीं तो मैं मेकअप कैसे करूँ। सम ज्वेलरीज जो कि मैंने रख रखी हुई है एंड जो कि दो है एंड दोनों को मैं सोच समझ के रखती हूँ ताकि एक इंडियन के साथ चली जाए एक वेस्टर्न के साथ चली जाए छोटे मोटे क्यूट क्यूट से जो भी चीजें हैं तो ये मैंने निकाल लिए अभी। ओके सो नेक्स्ट ये वाला पेन क्योंकि दो पेन आई थिंक मेरे बैग में होते हैं एक अपना लाइक दम तोड़ते तो एक तो साथ देगा तो इसलिए मैं दो रखती हूँ। और गाइस मैं पता नहीं क्यों हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है ना कि मे बी अगर कहीं पे कोई भी इमरजेंसी पड़े जहां पे मुझे किसी के गाड़ी का नंबर नोट करना हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तभी पेन आता है तो मैं इस थॉट से पेन रखती हूँ मतलब पता नहीं क्या ही दिमाग में चलता रहता है। एनीवे यहाँ पे मेरे पड़े हुए जो कि 5-6 चिल्लर यस ये देख सकते हो एंड बाकी का बैग मेरा ये हो गया है खाली। सो यही सारी चीजें थी मेरे बैग। मैं आपको बैग दिखा देती हूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जुग बैग की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है वीगन लेदर आपको देखने को मिलने वाली है दैट इज ग्रेट एंड वाटर रेजिस्टेंट इनर फैब्रिक होने वाला है जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है इजिली क्लोज होती है इजिली ओपन होती है एंड ग्रे एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन ओ माई गॉड सच अ वेरी 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 क्लासी एंड बैग ऐसा है ना अगर आप फर्श पे भी रखते हो तो ऐसे के ऐसे ही होल्ड हो जाएगा प्लस आप ऐसे भी ले सकते हो साइड्स के साथ भी ऐसे भी ले सकते हो साइड में भी ऐसे। अगर आपको ये सेम बैग परचेज करना है तो इस बैग का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर के आप डायरेक्टली शॉप कर सकते हैं। सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो YTSEEMA10 टू गेट 10% का आपको इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो इस कूपन कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसमें मेरा कोई कमीशन या मेरा कोई फायदा नहीं है जस्ट फॉर माई प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। और इस बैग के अलावा भी जू की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी वैरायटी बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलने वाली आपको ऑफिस बैग टोट बैग स्लिंग बैग राउंड स्लिंग बैग क्लच बैग एंड लैपटॉप बैग बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलने वाले हैं अलग अलग प्रिंट्स के साथ। सो मेक श्योर इनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा और सो जुग का यूट्यूब चैनल भी है सो मैंने यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो जाइए जाकर के शॉप करिए एंड मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सारी चीजों का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे वो जू के वेबसाइट का लिंक हो प्रोडक्ट लिंक हो या फिर जू के यूट्यूब चैनल का लिंक हो हर एक चीज एंड ऑल्सो मेरा कूपन कोड भी। मैं मिलती हूँ जल्दी से एक नए कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय गाइस लव यू ऑल।